दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, आज हम पुणे ज़िले के जुन्नर तालुके में हैं और दोस्तों हम यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे जो महिला हैं, एक आजी और साथ में उनकी बहू हैं, जो दोनों आदमी मिलके जैसे कि बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, खेती और साथ साथ गोधड़ी भी मशीन पे सीती हैं। और गोधड़ी यानी कि जो बिछा कर सोने के काम में आता है, जिसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हो सकते हैं, कुछ लोग लेवा वगैरह भी बोलते हैं, तो मुझे तो उतना जानकारी नहीं है। आपके यहाँ पे जो कहा जाता हो ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो मैडम, जैसे कि आप गोधड़ी जो मशीन से सिलाई वगैरह करती हैं, तो पहले तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि गोधड़ी क्या कहते हैं, तो पहले वो हमें बता दीजिए कि वो क्या होता है। गोधड़ी तो इसको बोलते हैं, ये देखिए, ये सोने के बिछाकर सोने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो, ये बच्चे का, छोटे बच्चे के लिए ये अच्छा, यानी कि हर साइज में बनाया जाता है यहाँ पे। हर साइज में बना जाता है, तो हर एक साइज में। तो मैडम, ये सब आप करती हैं? हाँ, मैं और मेरी सास मिला के करती अच्छा, हैं हम दोनों। हाँ, तो मैडम ये आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? अब ये बिजनेस में 5 साल हो गया ये बिजनेस करके। पहले हम एक मशीन पे सिलाते थे, दोनों मिला के एक मशीन पे सिलाते थे, लेकिन क्या है, लोगों को पता नहीं था। हम गांव के थोड़ा सा बाहर रहते तो लोगों को पता नहीं था। जब हम गांव में जाते थे तब हम लोगों को बताते थे हम ऐसे सिलाते। अच्छा, एक दो लोगों को हमने बताया, तो आपको बताया, तो आपने दूसरे को बताया, ऐसा करके बराबर। अभी हमारा बिजनेस बढ़ गया है। पहले हम एक मशीन पे सिलाते, हमारे पास अभी 2 मशीन है। हम दोनों बाहर का मुर्गी का काम देख के, बकरी का काम देखते, ये भी काम करते, तो हमें 12 ही महीने काम रह जाते हैं। अच्छा, तो 12 ही महीने काम में बिजी ही रहते हैं लोग, और इसके अलावा बाहर से ऑर्डर वगैरह आता रहता है क्या? हाँ, बहुत आता है बाहर से, बाहर से बहुत ऑर्डर आता है अभी। ऑर्डर आता है। तो इसका अभी मतलब किस प्राइस में आप सेल करते हैं ऐसे कुछ? अभी 250 रुपये में मिलता है, ये बड़ा वाला है जो, ये 250 रुपये में मिलता है, छोटा वाला 100 रुपये में मिलता है। अच्छा, तो कपड़ा उनका, हाँ, और उनका कपड़ा धागा उनका, खाली सिलाई 250 रुपये। हाँ, और ये जो अपना अपना देते हैं सिला के, अच्छा, तो उसको हम 500 रुपये देते हैं। हाँ। अच्छा, यानी कि अगर पहली बात कि जब आपको सिलाना है तो कपड़ा खुद देना है, खुद देने का है, और नहीं कपड़ा नहीं दिया तो हम 500 रुपये 500 रुपये हाँ, में हमारा खुद का बना के देते हैं। हाँ, अगर आप खुद के यहाँ से आपको चाहिए रेडीमेड सब कुछ बनाया हाँ, हुआ, तो 500 रुपये। और इसके अलावा साइज पर डिपेंड करता है कीमत। हाँ, साइज साइज पे। हाँ, छोटा बच्चे का रहता है तो 100 रुपये में हम सिला के देते हैं, और उनका कपड़ा तो 200 रुपये लेते हैं। अच्छा, और होगा तो कुछ दिखाइए उसमें। हाँ, से और एक गोधड़ी है हम ऐसे, जो जैसे लोग होते हैं वो साइज बहुत बड़ा ज्यादा होता है। अभी ये भी साइज है, सबसे बड़ा साइज है ये। अच्छा, दो इसका हम 350 रुपये लेते हैं हम इसका। हाँ, हाँ, अच्छा, 350 रुपये। तो मैडम ये उनका ही मटेरियल है? हाँ, उनका ही मटेरियल है। हाँ, सिलाई वो आपने। हाँ, उसको अभी काम बाकी पूरा, अभी इसको ये गोट लगाने का बाकी है सिर्फ। अच्छा, और सिला के पूरा हो गया है। अच्छा, पूरा हो गया है, अभी ये बस ये साइड का बाकी है, साइड का बाकी। अच्छा अच्छा, और ये सबसे लास्ट साइज है। अच्छा, सबसे लार्ज है, सबसे लास्ट साइज, ये सबसे बड़ा साइज है ये वाला। देखिए ये वाला मैडम, ये मुझे तो लगता है कि बहुत ही यूनिक है एक नज़र से, कि सबके माइंड में ये नहीं आता है कि हमें ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो आपके दिमाग में कैसे आ गया? जब मैं कुछ काम नहीं करती थी, मेरे बच्चे के पापा काम पे जाते थे, अभी हमें खेत को पानी नहीं है ज़्यादा, तो हम ऐसे ही बैठाते रहती थी, खाना पकाना और घर का काम करना, बच्चे संभालना। तो एक दिन मेरी सास ऐसी सिलाई, हम पहले से करती पहले है, से सिलाई सिलाई काम करती है, तो जब बच्चे छोटे होते तो दिन भर में क्या कुछ काम नहीं था, तो ऐसे ही बैठ के बोर हो जाती थी। फिर मेरी सास में एक दिन बैठी थी, ऐसे ही हमने दिमाग लगाया कि हम ऐसे सिला के देखते जमता है कि नहीं। बड़ी बेटी इधर आई। हाँ, बड़ी बेटी इधर आने के बाद वो तो सिलाती थी। हाँ, उसने भी हमें आइडिया दिया, जरा बोला का तुम ये सिलाई काम करते थे इसमें फायदा ज्यादा नहीं है, ब्लाउज सिलते थे ना, तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं, तो क्या बोली तुम ऐसा करो ये गोधड़ी सिलाओ। तो
उसने हमको बताया बताया वो इतना काम बाकी है। देखो हमारा वो काम इतना देखो बाकी है, इतना और बाकी इतना ही अभी उधर ये देखो इधर है हमारे पास इतना सिलाने का बाकी है बाकी। अभी हम ना हम जो गोदड़ी सिलाते है वो बकरी का करते है मुर्गी का करता है तो खाली गोदड़ी का प्रॉफिट हमको 10-12 हजार रुपए मिलता है होता है। हमारा घर खुद चलता है। हम एक एक औरत को 10-12 हजार रुपए मिलता है गोदड़ी सिलाने का। उसको वो मेरी बहू है वो अलग सिलाती है, मैं अलग सिलाती है। दो मशीन पे हम दोनों सिलाते हैं। तो जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो लोग हमें बहुत ऐसा नीचा मानते थे, हमारे काम में बोलते थे हमें ये ऐसा क्यों काम कर रहे हैं आप, पुराने कपड़े लेते हैं लोगों का और फटा टूटा सिलाते हैं। तो हमने किसी की एक नहीं मानी, हमारा काम पे फोकस करते रहे और बहुत ऐसे बोलते थे, कुछ अच्छा नहीं कमेंट करते थे। तो हमने किसी की एक नहीं सुनी, हम हमारे काम पे फोकस करते थे। अभी जब हम ऐसे उन लोगों का मानते तो हमारा बिजनेस इतना बढ़ नहीं जाता था। अभी हम हमारे काम पे फोकस करते थे इसलिए हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। अरे हमारे मेरे पति को भी बारिश के दिनों में काम नहीं होता है तो वो भी हमारा मशीन चला के हमारा घर का पूरा खर्चा हमारी मशीन में हम उठा लेते हैं। हाँ तो जब हमारे घर में एक मशीन थी तो हमें काम बहुत मुझे ये करना पड़ता था। पहले वो सिलाती थी फिर मैं सिलाती थी, लेकिन काम ज़्यादा बढ़ गया तो मेरी सास ने मेरे पति को बोला और दूसरी मशीन दिलवाई। और मैं उनका धन्यवाद मानना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला तो दो मशीन आई और बिजनेस भी बढ़ गया और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरे काम में। मेरी बहू बहुत अच्छी समझदार है, वो सब काम संभालती है। मेरे को ऐसा लगता है मैं जाने के बाद मेरी बहू सब कुछ अच्छे तरह से संभाल लेगी, इसका मुझे गर्व है। तो दोस्तों बहुत से जो हमारे देश में ऐसे लोग हैं या परिवार है, बहुत सी औरतें हैं जो अपने समस्याओं को लेकर रोती रहती हैं, तो उनको इनसे सीखना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि घर परिवार कैसे चलाना चाहिए, मेहनत कैसे करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ये देखकर सचमुच एक इंस्पायर हो जाते हैं हम ऐसे जब फैमिली से मिलते हैं। तो आज इन्होंने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ इनको, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।